अस्सलामु अलैकुम। हमारे टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, फिजियो वन सेमेस्टर वन। इसमें हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस की, बट उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी क्या है, जिसमें हम स्पेसिफिक करेक्टर और मैकेनिज्म पढ़ते हैं इंटायर ह्यूमन बॉडी का, तो इसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन के फंक्शंस और करेक्टर्स को पढ़ा जाए तो वो फिजियोलॉजी में आएगा, और अगर हम ह्यूमन बीइंग में ऐसा करें तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएगा। मगर इंटायर बॉडी के सेल्स की बात करें तो 100 ट्रिलियंस 25 ट्रिलियंस आर ऑफ RBCs। इसके अलावा अगर हम बात करें एडल्ट ह्यूमन बॉडी का, 60% जो है तो फ्लूइड पर है मुश्तमिल। इनमें से 2/3 जो हमारा है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जबकि 1/3 जो हमारा है तो वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा हम बात करेंगे अभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स आते हैं, जबकि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में लार्ज अमाउंट ऑफ पोटाशियम एंड मैग्नीशियम आयंस एज वेल एज फॉस्फेट आयंस आते हैं। होम्योस्टेसिस की बात करें, वर्ड वाल्टर कैनन ने सबसे पहले यूज़ किया था। अगर इसमें कोई रिप्चरिंग आ जाए तो वो भी डिजीज़ होगी, जो कि बहुत खतरनाक डिजीज़ हो सकती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे के कंट्रोल मैकेनिज्म क्या चीज़ है और होम्योस्टेसिस किस तरीके से काम करते हैं। तो होम्योस्टेसिस दो सिस्टम्स के अंडर, या होम्योस्टेसिस के दो सिस्टम में क्लासिफिकेशन है, जैसे हम नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, और नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक एक दूसरे के वाइस वर्सा में काम करते हैं। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक भी कंट्रोल मैकेनिज्म है और पॉजिटिव फीडबैक की कंट्रोल मैकेनिज्म है। पॉजिटिव फीडबैक इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, बट समहाउ वो बेनिफिशियल है एंड द रेस्ट वो जो है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। नेगेटिव फीडबैक की अगर हम बात करें तो इसको मैं आसान एग्जांपल में समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा हो जाए, अगर हम कोई भी चीज़ खा लें जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा कि ब्रेन के पास सिग्नल पहुँचेगा। ब्रेन क्या करेगा, वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड को सिग्नल पहुंचाएगा अपने ट्रॉपिक हार्मोन्स के ज़रिए से, जिसकी वजह से वहां से इंसुलिन रिलीज़ होगा, और इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर को दे देगा, ताकि वो उसे अपने पास स्टोर कर सके। इसके अलावा जब भी हमें ग्लूकोज की कमी होगी, ब्लड में ग्लूकोज लेवल सेट पॉइंट से कम होगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसके बाद जो है बॉडी सिग्नल भेजेगी दोबारा से ब्रेन को। ब्रेन क्या करेगा, पैनक्रियाटिक ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा ट्रॉपिक हार्मोन के ज़रिए से, और पैनक्रियाटिक ग्लैंड अब ग्लूकागोन नाम का हार्मोन रिलीज़ करेगा, जो क्या करेगा, जो लीवर में से ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके उसे दोबारा से ग्लूकोज बना के ब्लड में दे देगा, ताकि ब्लड एक सेट पॉइंट पर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो उसे भी सेट पॉइंट पे लेके आना है कम करके, या कोई भी चीज़ कम हो रही है तो उसे भी सेट पॉइंट पे लेके आना है बढ़ा के। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, और इसी का उल्ट होगा हमारा पॉजिटिव फीडबैक, कि कोई चीज़ अगर बढ़ रही है उसे और बढ़ाया जाए, कोई चीज़ अगर कम हो रही है तो उसे और कम किया जाए। नेगेटिव फीडबैक का एक एग्जाम्पल मैंने आपको ग्लूकोज की थी, अब एक और एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारे आर्टीरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो बैरोसेप्टर्स ने क्या किया, बैरोसेप्टर ने सिग्नल्स जो है वो रिसीव किया और उन्हें पता लगा कि कुछ एरर आ रहा है, जो है प्रेशर ज़्यादा है, तो ये जो मैसेज है मेड्यूला के पास गया ब्रेन के, और मेड्यूला ने क्या किया, अब उसने इसे नॉर्मल करने के लिए जो आर्टरीज थी तो उनको डायलेट कर दिया, और आर्टरीज डायलेट होने की वजह से क्या होगा कि जो प्रेशर है अब वो सेट पॉइंट पर आ गया है, डिक्रीज़ हो गया है। इस तरीके से अगर ज़्यादा होगा तो कम, कम होगा तो ज़्यादा। अब अगर हम बात करेंगे नॉर्मल रेंज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, तो आप यहाँ पर इसे पिक भी ले सकते हैं और इसे आप देख सकते हैं। करेक्टर ऑफ कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो नेगेटिव फीडबैक हमारे पास मोस्ट या इंटायर बॉडी को कंट्रोल करना नेगेटिव फीडबैक का काम है। इस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेटिंग मैकेनिज्म की बात करें, आर्टेरियल प्रेशर रेगुलेशन की बात करें, गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंट चीज़ में हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक की, तो ये वेरी साइकिल जो है हमारे पास डिफरेंट जगहों पर अच्छा भी है और बहुत ज़्यादा हमें डेथ तक भी कॉज कर सकता है। पॉजिटिव फीडबैक समहाउ तब एक्टिवेट होता है जब नेगेटिव फीडबैक जो है वो फेल हो जाए। इसकी मिसाल हम जिस तरह हीट स्ट्रोक के लिए सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक ट्राई टू कंट्रोल ताकि जो है स्वेटिंग होती रहे, और इसके अलावा बॉडी से हीट निकलती रहे, और
जो है हम फिर भी अगर कंटिन्यूसली हीट में रहे या किसी भी गर्म जगह पे रहेंगे तो क्या होगा कि नेगेटिव फीडबैक बिल्ड हो जाएगा, जिसके बिहाफ पे पॉजिटिव फीडबैक एक्टिवेट होके हमें हीट स्ट्रोक तक लेके जा सकता है एंड इट लीड अस टू डेथ। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की जो है बात करें, बेनिफिशियरी कहाँ कहाँ है, पॉजिटिव फीडबैक बेनिफिशियरी ये यूज़फुल है ब्लड क्लॉटिंग में, ज़्यादा क्लॉटिंग हुई, ज़्यादा इंजरी हुई, ब्लड ज़्यादा जल्दी क्लोट होगा, जल्दी क्लोट हुआ तो ये बेनिफिशियरी हमारे लिए। इसके अलावा चाइल्ड बर्थ की बात करें, अगर हम पेन देखेंगे तो चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी के दौरान जो पेन होगा तो ज़्यादा होता है ड्यू टू द हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड सो मेनी मोर। सो अब पेन जितना ज़्यादा होना चाहिए पॉजिटिव फीडबैक में तो उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है बर्थ हो सकती है, पॉसिबल है। अदरवाइज हमें फिर उसके लिए पॉजिटिव फीडबैक करवाना पड़ता है या फिर हमें जो है आगे। अब अगर हम नर्व सिग्नल्स की बात करेंगे तो अगर ज़्यादा कोई स्टिमुलस ज़्यादा है तो जल्दी से नर्व सिग्नल को जाना है, जितना जल्दी नर्व सिग्नल जाएगा उतना जल्दी उसका रिसीव करके जवाब आएगा। इट मीन्स डेट के पॉजिटिव फीडबैक इन जगह पर तो अच्छा है, लेकिन इसके अलावा अगर हम हीट की बात करें जैसे तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के बारे में समझ आ गया होगा। फीडबैक अगर हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की बात करें, रिएक्टिव कंट्रोल, सो अगेन एंड अगेन जो सिग्नल जो है वो जाते रहते हैं जब तक कनेक्ट नहीं हो जाता। इसके अलावा हम अगर इसमें मज़ीद देखना चाहें तो हम इसमें बॉडी फ्लूइड को देख सकते हैं, जिसमें हम ब्लड पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे और उसको हम डिटेल से देखेंगे। सो आई होप कि आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझ आ गया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक का डिफरेंस समझ आ गया होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है तो उससे रिलेटेड आपको ये समझ आ गया होगा कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। इसके साथ साथ आप जो है वो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि जो है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में उसके जो क्विजेस होते हैं तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।